नमस्कार पद्मश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लोकायुक्त पुलिस की कार्यवाही, 30,000 की रिश्वत लेते महिला इंजीनियर गिरफ्तार। आज भी समाज में जिंदा है रूढ़िवादी पिता, बेटी होने पर मां और बेटी को घर से निकाला, दर दर की ठोकर खा रहे हैं जच्चा बच्चा। पोषण देने वाला मुनगा स्वयं हो गया कुपोषित, महिला बाल विकास विभाग की बड़ी लापरवाही। 2 महीने में धुंधली हो गई लाखों रुपए से की गई सड़क पर मार्किंग, अधिक बारिश को बता रहे कारण। भोपाल से नहीं आए सत्यापन फॉर्म, अधर में अटका राशन, उपभोक्ताओं का सत्यापन, जरूरतमंद हो रहे परेशान। समर्थन मूल्य पर खरीदी, किसानों की पंजीयन के लिए 13 अतिरिक्त केंद्र खोले जाने की मंजूरी। लालबन्ना की दरिया में मिला युवक का शव, पुलिस ने दर्ज किया अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला। और अतिथि विद्वानों की हड़ताल के समर्थन में उतरे छात्र संगठन, प्रदेश शासन के नाम सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। 10 अक्टूबर को जबलपुर लोकायुक्त पुलिस द्वारा छापामार कार्यवाही करते हुए बालाघाट जनपद के अंतर्गत आने वाली खुरसौड़ी पंचायत मनरेगा में कार्यरत संविदा महिला उपयंत्री संतोषी भारती को 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार कोसमी बालाघाट के मटेरियल सप्लायर और ठेकेदार मुकेश माहुले ने खुरसौड़ी और गोंगलई पंचायत में मटेरियल सप्लाई का कार्य किया था, साथ ही सड़क व नाली का निर्माण कराया था। ठेकेदार का करीब 2 से 2.5 लाख रुपए भुगतान लंबित था। ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य के मूल्यांकन के नाम पर महिला उपयंत्री द्वारा 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी, जिसमें मूल्यांकन कार्य करने का सौदा 30,000 में तय किया गया था, लेकिन ठेकेदार रिश्वत नहीं देना चाहता था, जिसके चलते ठेकेदार ने इसकी शिकायत लोकायुक्त टीम से कर दी और एक कार्य योजना के तहत लोकायुक्त की टीम ने संविदा महिला उपयंत्री संतोषी भारती को खुरसौड़ी पंचायत में 30,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ लोकायुक्त टीम ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। बाइट दिलीप छड़वड़े। हमारे फरियादी है मुकेश माहुले, ये ग्राम पंचायत के अधीन मटेरियल सप्लाई का काम करते हैं। इनके द्वारा ग्राम पंचायत गोंगलई एवं खरसोड़ी में मटेरियल सप्लाई का काम किया गया था, सीसी रोड और सीसी नाली का। इनका कुछ पेमेंट अभी रिलीज होना बाकी है। इसके मूल्यांकन के लिए यहाँ पदस्थ संविदा उपयंत्री है श्रीमती संतोषी भारती, इनके द्वारा मूल्यांकन के लिए 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। आज हम लोगों ने उनको 30,000 रुपये लेते हुए पकड़ा है, कार्रवाई जारी। जिले के राशन उपभोक्ताओं का भौतिक सत्यापन 2 माह बाद भी शुरू नहीं हो पाया, इसके लिए जिले के लगभग 10,000 से अधिक जरूरतमंद पात्रता पर्ची जनरेट नहीं हो पा रही है। यहाँ लोग लंबे अरसे से अनाज, केरोसिन समेत अन्य सामग्री से वंचित है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। भौतिक सत्यापन लटकाने का कारण भोपाल से खाद्य आपूर्ति विभाग से सत्यापन फार्म नहीं आना बताया जा रहा है। राज्य शासन के द्वारा जुलाई माह में हर राशन उपभोक्ताओं के भौतिक सत्यापन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर सर्वेक्षण दल का गठन किया गया था। एक दल को 150 से 200 उपभोक्ताओं के जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कहा जा रहा है कि नया सत्यापन फार्म दिया जाएगा, तब तक जांच शुरू नहीं हो सकती है। सत्यापन पूर्ण होने तक खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी कुछ कर भी नहीं सकते। आपको बता दें कि जिले के इस समय 25 श्रेणी में लगभग 1 लाख परिवारों को राशन मिल पा रहा है, जिन्हें 1 रुपए 2 रुपए में गेहूं, चावल और रियायत दर पर केरोसिन मिलता है। वंचित परिवार को भी राशन मिल जाए तो यह संख्या और बढ़ जाएगी। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी बताते हैं कि भोपाल से भौतिक सत्यापन का फार्म का इंतजार किया जा रहा है, उसके आते ही सर्वेक्षण कार्य शुरू किया जाएगा। जिला मुख्यालय व उसके बाहर की सड़कों पर यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए 2 महीने पहले 38 लाख रुपए खर्च कर मार्किंग की गई थी, जो अब धुंधली होती दिखाई दे रही है।
चलिए आपको बताते कि नगर पालिका परिषद के द्वारा यहाँ पूरा कार्य करवाया गया था, जिसमें नगर पालिका सीमा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न मार्गों के रोड पर मार्किंग कार्य 19,62,000 रुपए में कराया गया था। उसमें गौरव पथ की सभी सड़कें गोंदिया रोड और अन्य सड़क शामिल थी। इसी तरह नगर पालिका सीमा क्षेत्र के बाहर आने वाली सड़कों पर भी 18,21,000 रुपए खर्च कर यहाँ कार्य करवाए गए थे, लेकिन चंद रोज बाद ही यह मार्किंग उखड़ने लगी। नहीं, पूरी तो नहीं उखड़ी है, कई जगह उखड़ गई है जी, जैसा आप बता रहे हैं। तो वो कई सारी जगहों पर इसमें देखना पड़ेगा कि किस कारण से उखड़ गई है। क्वालिटी का अगर अंत होता है तो एक बार टेस्ट में इसको करवाता हूँ। अगर क्वालिटी में के कारण उखड़ी है तो जाँच उसे करवाई जाएगी। यदि कारण ऐसा होता है, कई बार ये भी होता है कि बगैर सावधानी लगाए डाल दिया, जैसे कि नीचे मिट्टी थी और डाल दिया गया है, तो वो भी उसी गलती है। मैं जाँच इसे करवा कर फिर बताता हूँ। डाक विभाग के द्वारा खाताधारकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधान डाकघर में टोकन मशीन सिस्टम की स्थापना की गई है। टोकन मशीन के माध्यम से खाताधारकों को खाते से संबंधित कार्य को पूर्ण करने में आसानी जाएगी। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान डाक विभाग के प्रवर अधीक्षक ए.के. अरख ने बताया कि डाक विभाग के द्वारा खाताधारकों की समस्याओं को देखते हुए प्रधान डाकघर में टोकन मशीन की व्यवस्था की गई, जिसके माध्यम से हितग्राही डाक विभाग की सेवा ले सकेंगे। अच्छा सर, टोकन सिस्टम भी है? टोकन सिस्टम भी कल से रजिस्टर्ड हुआ है, तो वो हम उसको पालन कराने में पूर्णतः हमारे एक व्यक्ति में बैठा हुआ है। जो पब्लिक को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हम शिक्षित कर रहे हैं। क्या फ़ायदा हुआ फिर? फायदा जो भीड़ में अभी एक जैसा एक दूसरे पर कहते थे मेरा काम नहीं हुआ पहले, ये बीच में कैसे आ गया, वो कैसे आ गया, तो आपसी में जो एक टसल होती थी उससे पब्लिक में जागरूकता आएगी, तो अपने उसको ध्यान कर रखते हुए टोकन रखते हुए लाइन पर रहेंगे। युवाओं की प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य को लेकर नगर के शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में आज 2 दिवसीय युवा उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने वाद विवाद, निबंध, पेंटिंग, पोस्टर मेकिंग सहित अन्य विधाओं में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के संबंध में व्याख्याता श्री कातुलकर ने बताया कि शासन के निर्देशों के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्र छात्राएं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इनमें से चयनित छात्र छात्राएं संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होंगे। अभी जो 10 और 11 तारीख को जो यहाँ संपन्न हो रहा वो हो रहा महाविद्यालय स्तर पर, तो महाविद्यालय के बच्चों को छात्र छात्राओं को विभिन्न, चूँकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनमें कई प्रकार की कलाएँ और ये छुपी रहती है, तो उनको ये ऐसे अवसर के माध्यम से निश्चित रूप से उनको एक मंच मिलता है। ये मंच के माध्यम से वो आगे जाएंगे। 14-15 को हमारा जिला स्तरीय कन्या महाविद्यालय में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती है, जैसे मैं कुछ नाम बता सकता हूँ, पोस्टर, कार्टून, स्पॉट पेंटिंग, कोलाज, क्ले मॉडलिंग, रंगोली, वाद विवाद, प्रश्न मंच, एकल नृत्य, समूह नृत्य, इस प्रकार से बहुत सी विधाएं रहती जिसमें हमारे छात्र छात्राओं को इस प्रकार के अवसरों से उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। सर, कितने छात्रों का चयन होगा इसमें? इसमें जो भी हर विधा में एक दो तीन ऐसे विद्यार्थी रहेंगे। ये जो है 15 तारीख को होने वाली जिला स्तरीय 14 दिव्यांग, वृद्ध, कल्याणी, परित्यक्ता, अविवाहित, श्रमिक, निर्धन, निराश्रित, थर्ड जेंडर, आम आदमी, पेंशन अधिकारी संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर नगर के बस स्टैंड में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए दिव्यांग, वृद्ध, कल्याणी, परित्यक्ता, अविवाहित एवं श्रमिक, निर्धन, निराश्रित लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस कार्यक्रम के दौरान तमाम संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी बात मंच के माध्यम से रखी, वहीं रैली के माध्यम से जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस कार्यक्रम के संबंध में संगठन के जिलाध्यक्ष जितेंद्र मोहारे ने क्या कहा, आइए जानते हैं। वृद्ध, कल्याणी, परित्यक्ता, अविवाहिता, अभिभावक, निर्धन, निराश्रित, श्रमिक, सभी का संगठन बना हुआ है। अवैध महिलाएं, परित्यक्ता महिलाएं, विकलांग महिलाएं, जिनको सरकार की ओर से कोई योजना का लाभ नहीं मिलता है, मात्र 600 रुपये पेंशन दिया जाता है, कई लोगों को मिलता है, कई लोगों को नहीं मिलता है। आज महंगाई के ज़माने में 600 में कुछ नहीं होता है, गैस सिलेंडर भी 600 रुपये में नहीं आता है। तो ऐसी महिला विकलांग सारी जो महिलाएं हैं, जो परित्यक्ता महिला, जिसको समाज से छोड़ा जाता है, पति भी छोड़ देता है, माँ बाप भी छोड़ देते हैं, सरकार भी छोड़ देती है, तो ये उनकी आवाज़ कौन बुलंद करेगा? घर के कोने में पड़े रहते हैं विकलांग महिलाएं, जिनको कोई समाज वाला नहीं देखता है। सरकार की व्यवस्था पूरी है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में बोला गया है अधिकार हमारा जो लेना चाहिए, और उनके अधिकार के लिए हम लोग एक संगठन बनाया है। हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से 10,000 रुपये पेंशन दिया जाए, उनको मकान दिया जाए, उनको भत्ता दिया जाए, जीने खाने का पूरा अधिकार दिया जाए, समाज में सम्मान दिया जाए। सरकार
वहीं संगठन को सुचारू तौर पर चलाने के लिए कार्यक्रम में आए लोगों से सहयोग राशि मांगी गई, जिसको लेकर कुछ दिव्यांगों ने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि दिव्यांग वैसे ही निराश्रित एवं निर्धन है, ऐसे में संगठन के द्वारा सहयोग राशि लिया जाना बेहतर नहीं है। हालांकि वे स्वेच्छा से राशि मांग रहे थे। प्रेरणापुर क्षेत्र से अंतर्गत आए और अभी जो बस स्टैंड में दिव्यांगों का शिविर लगाया गया था अधिकतर मांगों को लेके, और काली पुतली चौक होते हुए रैली बस स्टैंड पुनः आई विज्ञापन सौंपने के लिए, और कहा गया कि अधिकतर हम सभी दिव्यांगों की लड़ाई करने के लिए हमारे को पैसे धन की जरूरत पड़ेगी, और उस बीच में सर रुमाल बिछा के उन दिव्यांगों से बोला गया कि अपने अपने शिक्षा के अनुसार अगर जिसको भी यहाँ पैसा डाल सकते हो कि आप सबकी लड़ाई करने के लिए हमको धन की जरूरत पड़ेगी, तो कुछ दिव्यांगों ने वहाँ पैसे जमा किए। वो तो सहयोग की राशि बता रहे हैं, सहयोग की राशि ऐसा उन्होंने बोले नहीं, पर बसर चीज वहाँ पैसा लिया गया। तो आपको क्या लगता है, ये सही है कि ये गलत है? गलत है जी, मैंने सहयोग की राशि नहीं लेना था। नहीं लेना चाहिए, जैसे इसमें पैसे के लिए बोले हमने कि स्वेच्छा अनुसार जो भी देना चाहते हैं एक रुपया से लेकर जितना भी आप इच्छा है वो पैसे आप दे सकते हैं सहयोग की राशि के रूप में। तो गलत मानते हैं कि सही है? देखो, एक तो विकलांग के लिए सहयोग आप देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। मेरे उद्देश्य है कि नहीं लेना चाहिए, है ना? सहयोग देना तो सहयोग देना चाहिए। किसने मांगा पैसे? पैसे मांगा किसी ने, पर कुछ दिव्यांग ने अपनी शिक्षा की। दिव्यांग अधिनियम 2016 का पालन नहीं करने के आरोप लगाते हुए एक दर्जन से अधिक दिव्यांगों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। दिव्यांग क्रांति टेकाम ने बताया कि एक महीने पहले उनके द्वारा जिला प्रशासन को दिव्यांगों के लिए मिलने वाली सुविधा और अन्य लाभ के लिए ज्ञापन सौंपा गया था, बावजूद इसके भी कि जिला प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए पुनः एक बार फिर से जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने आए हैं। सर, हम चाहते हैं कि हमारे मंच को आपका सहयोग भी चाहिए, शासन से भी हम आकर हमको सुविधा मिले। कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन सौंपने के उद्देश्य से आए हैं। जो किस मांग को लेकर क्या मांगे, तो हमारे यहाँ सात पात्रता रखें, क्या दिव्यांगों को जो समस्या हो रही है अपने बालाघाट जिलों में, दिव्यांग अधिनियम 2016 के तहत जो कानून बनाया गया है जिसका पालन बालाघाट जिले में नहीं हो रहा, तो उस उद्देश्य से हमको ज्ञापन सौंपने के लिए आए। इसके पहले भी हमने कलेक्टर महोदय का ध्यान आकर्षण करने के लिए 13 तारीख को ज्ञापन सौंपा था, एक माह पूरा हो चुका है मगर उसमें भी कोई अभी तक उसका निराकरण नहीं हुआ। अब क्या करेंगे आप लोग? आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे और आज उनसे निराकरण के डेट लेना चाहते हैं हम कि आप कब तक हमारी समस्या का निराकरण कर देंगे। अगर नहीं होता तो फिर क्या करेंगे? नहीं होगा तो हम उस धरना का प्रदर्शन करेंगे। बेटी होने पर एक पिता ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को घर से निकाल दिया, यहाँ कहकर कि बेटा होगा तभी घर लौटना। पीड़िता पिछले 6 महीने से अपनी परेशानी की हर जगह गुहार लगा रही है, बावजूद उसके कि सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए वह कलेक्टर कार्यालय पहुंची जहां पर अधिकारियों को अपनी आपबीती बताई। कटंगी निवासी शकीला बानो बताती है कि बेटी होने पर उसके पति ने मारपीट कर भगा दिया और घर पर ताला लगा दिया। जब वह घर पहुंची तो पता चला कि घर भी बेचने के लिए उसने निकाल दिया है। इससे पहले कटंगी थाने में उसके द्वारा शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कहते शिकायत करने के लिए आए थे कि हमारा पति तो हमको मारपीट के ताला लगा के भग गए हैं और क्या कहते हैं घर बेचने निकाल दिए उन लोगों ने। कब भगा आपको? मुझे तो 7-8 महीने हो गए भगा दिए है। तो क्यों? मारपीट की लड़की हुई है करके, लड़की नहीं रखना चाहते उन लोग, बोलते लड़का होगा तो रखेंगे नहीं तो लड़की है तो नहीं रख। तो आपने इसके पहले शिकायत नहीं करी थी? करे थे सर। किस किस को किया? हमने थाने में भी करे हैं और पंचायत में भी करे हैं, पर कोई हमारी नहीं हो रही सुनवाई कि तो ताला खोल के देना नहीं चाहते उन लोग। तो आपके सास ससुर वगैरह? तो सास और पति दोनों भाग गए हैं घर में ताला लगा के, मुझे मारपीट के भगा दिए है लड़की है करके, और वो भी ताला लगा के भाग गए हैं घर पे। महाविद्यालय में बीते कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं अतिथि विद्वान उन्हें नियमित किए जाने की मांग को लेकर बीते दिनों से हड़ताल पर चले गए हैं।
जिससे महाविद्यालय की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। NSYS छात्र संगठन के द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन को ज्ञापन प्रेषित किया गया कि लंबे समय से अतिथि विद्वान महाविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अतः उनकी मांग को पूर्ण किया जाए जिससे महाविद्यालय की पढ़ाई भी प्रभावित न हो। आज हम लोग यहाँ पर समस्त छात्र अतिथि विद्वान सर लोगों के लिए एक छोटा सा ज्ञापन प्रस्तुत करने आए थे और आज वो इस कॉलेज में पढ़ा रहे 20 सालों से और आज वो इस कॉलेज में नहीं पढ़ा, मतलब हड़ताल में, अनिश्चितकालीन हड़ताल में, जिस वजह से पूरी क्लासेस बाधित हो गई है और बहुत सी परेशानियाँ जा रही है बच्चों की। तो आज हम लोग सब लोगों ने, समस्त छात्रों ने सोचा कि यहाँ पर एक ज्ञापन दिया जाए और सर लोगों के नियम, हम सर लोगों के साथ कमलनाथ जी से ये सिफारिश करते हैं कि वह सर लोगों की मांगों को पूरा करें और जिस वजह से हमारे PG कॉलेज या यहाँ के समस्त कॉलेजों में क्लासेस बकायदा फिर से नियमित स्टार्ट हो जाए। अच्छा ये बताया, अभी रेगुलर स्टाफ जो है पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है? रेगुलर स्टाफ उतने अच्छे से क्लासेस नहीं लग पा रही है, एक या दो से अधिक ज़्यादा नहीं लग पा रही है। कॉलेजों में अतिथि टीचरों के वजह से पूरी क्लासेस स्टार्ट थी और आज उनकी अनुपस्थिति में क्लासेस पूरी बाध्य हो गई है। जिले के आदिवासी विकास विभाग के द्वारा बैयर विकासखंड के परसवाड़ा विकासखंड स्थानांतरण किए जाने का शिक्षक संघ के द्वारा विरोध किया गया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखी गई। शिक्षक संघ के संभागीय संगठन मंत्री शिवाजी बाविस्ताले ने बताया कि मध्य प्रदेश के शासन के नियम के अनुसार स्थानांतरण किए जाते हैं, लेकिन उनके एक साथी का स्थानांतरण नियम के विपरीत कर दिया गया है। इसी मांग को लेकर जिला प्रशासन के समक्ष अपनी मांग रखने के लिए वे आए हैं। आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन इस बाबत सौंपने आए हैं हम लोग। हमारे बैहर तहसील के एक मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के पदाधिकारी जो तहसील सचिव हैं उनका ट्रांसफ़र मध्य प्रदेश शासन के नियमों के विपरीत माध्यमिक शाला डोरा में कर दिया गया है। यानी क्या है, मध्य प्रदेश शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी पदाधिकारी का अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, ब्लॉक से लेकर के और प्रांत तक के, इनका दो पदावधि तक किसी भी स्थिति में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। लेकिन AC महोदय बालाघाट ने इनका पता नहीं किन कारणों से ट्रांसफ़र कर दिया है। हमने मध्य प्रदेश शासन का हवाला देते हुए और कई बार AC महोदय से मुलाकात किया, कलेक्टर महोदय से भी मुलाकात किया, उनको ज्ञापन भी सौंपा कि इनका ट्रांसफ़र निरस्त कर दिया जाए या उनके इच्छानुसार उसी ब्लॉक में जहाँ पर वो पदस्थ हैं वहाँ पर संशोधन कर दिया जाए। लेकिन दोनों ही बातों से बने अनसुला किया जा रहा है और अभी तक स्थिति यथावत बनी। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए जिले में किसानों का पंजीयन का कार्य स्थापित 152 केंद्रों पर किया जा रहा है, लेकिन जिले में 13 केंद्र ऐसे थे जहां पर पंजीयन केंद्र स्थापित नहीं हो रहे थे और किसानों को असुविधा हो रही थी। इन केंद्रों को पंजीयन के लिए खोलने की शासन से अनुमति प्राप्त हो चुकी है और ई उपार्जन पोर्टल पर उक्त केंद्र स्थापित हो चुके हैं। इस प्रकार अब जिले के 165 केंद्रों पर किसानों का पंजीयन प्रारंभ हो गया है। जिले के जिन 13 केंद्रों को किसानों के पंजीयन के लिए प्रारंभ किया गया है उसमें मेरे गांव, मोहगांव धपेरा, कारंजा, बिरनपुर, साडरा, भानेगांव, दहेगांव, मिरिया, घोटी, बड़गांव, कटेदरा, सिवनी और वारा शामिल हैं। इन स्थानों पर पंजीयन केंद्र और उपार्जन केंद्र स्थापित करने की शासन से अनुमति मिलने से स्थानीय किसानों में हर्ष व्याप्त है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने जिला निर्वाचन कार्यालय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में आउटसोर्स कर्मचारी लिए जाने के लिए अनुबंधित फर्म मैसर्स एक्सपर्ट सर्विस सिवनी द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के भुगतान में अनियमितता किए जाने की जाँच के लिए समिति गठित कर दी है। मैसर्स एक्सपर्ट सर्विस सिवनी द्वारा नियुक्त आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा शिकायत की गई थी कि इस फर्म द्वारा कर्मचारियों की EPF राशि और वेतन श्रम विभाग द्वारा निर्देशों के अनुसार भुगतान नहीं किया जा रहा है और इस फर्म द्वारा वित्तीय अनियमितता की जा रही है। इन शिकायतों की जांच के लिए कलेक्टर दीपक आर्य ने एक समिति का गठन कर उसे 7 दिनों के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और समिति में जिला कोषालय अधिकारी, जिला पेंशन अधिकारी, जिला श्रम पदाधिकारी और चार्टर्ड अकाउंटेंट दिलीप छाबड़ा को सदस्य बनाया गया है। इस समिति को संबंधित कार्यालयों से अभिलेख प्राप्त कर आउटसोर्स कर्मचारियों की शिकायतों पर बिंदुवार विस्तृत जांच कर 7 दिनों के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा गया है।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत 19 नवंबर 2019 को बालाघाट से द्वारकापुरी की यात्रा के लिए विशेष ट्रेन रवाना होगी। इस यात्रा के लिए बालाघाट जिले से 325 यात्रियों का चयन किया जाएगा। बालाघाट जिले के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो आयकरदाता नहीं है वे इस यात्रा में शामिल होने के लिए आगामी 7 नवंबर 2019 तक आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर तहसीलदारों के सामूहिक अवकाश पर चले जाने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वे तहसील कार्यालय से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए कार्यालय के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ के मांग पत्र पर कार्यवाही न होने से नाराज तहसीलदारों ने आगामी 3 दिनों तक सामूहिक अवकाश पर रहने का निर्णय लिया है, जिसकी सूचना उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंप कर दी है। साथ ही 3 दिनों में मांग पूरी न होने पर 14 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने का ऐलान किया है। तहसीलदारों के सामूहिक अवकाश के चलते गुरुवार को तहसील कार्यालय में तहसीलदार व नायब तहसीलदार कार्य पर उपस्थित नहीं हुए, जिसके चलते जहां एक ओर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा तो वहीं दूसरी ओर अपने विभिन्न कार्यों को लेकर लोग तहसील कार्यालयों के चक्कर काटते हुए नजर आए। संत श्री नरहरि महाराष्ट्रियन स्वर्णकार समाज नगर युवा कार्यकारिणी द्वारा सरस्वती का विधि विधान से विसर्जन किया गया। जानकारी के अनुसार शहर के भटेरा चौकी संत श्री नरहरि महाराष्ट्रियन समाज भवन में बीते दिनों सरस्वती की स्थापना की गई थी। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद गुरुवार को गर्रा स्थित बड़े पुल के नीचे निर्मित कुंड में विसर्जन किया गया। एक आरक्षक सहित 2 लोगों ने एक युवक की उस समय पिटाई कर दी जब एक युवक एक लड़की के साथ गाड़ी से जा रहा था। जानकारी के अनुसार 9 अक्टूबर की शाम 7:30 बजे जसवंत दहावी मोटरसाइकिल से बालाघाट से अपने घर कनकी जा रहा था, तभी रास्ते में एक लड़की ने उससे लिफ्ट मांगी। लड़की भी उसके गांव की निवासी थी, इस कारण जसवंत ने लड़की को मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गया। तभी गर्रा पेट्रोल पंप के पास लड़की के भाई और आरक्षक रमेश ठकरेले ने उसे जसवंत की मोटरसाइकिल पर देख लिया। इस बात पर उसने जसवंत की जमकर पिटाई कर दी। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल जसवंत की रिपोर्ट पर आरक्षक रमेश ठकरेले और लड़की के भाई के विरुद्ध धारा 294, 323, 506, 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। मैं बालाघाट से जा रहा था काम करके, तो मुझे मेरी क्लास की लड़की मिली, उन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगा, मैंने उन्हें लिफ्ट दे दिया और हम जा रहे थे कनकी, वो भी कनकी की रहने वाली। तभी पीछे से अमित कातूरे और नमेश ठकरेले जो पुलिस वाला है, दोनों ने मुझे बर्रा त्रिवेदी पेट्रोल पंप के सामने पकड़े और मेरा काला पकड़ के मुझे मारने लगे और बोलने लगे कि साले मेरी बहन के साथ में दिखना मत, और मेरे सर पे ईंटा मार दिए और मेरे को नाले में ले जाके मारने लगे। तब मैं आया, उठकर देखा तो लड़की नहीं थी और वो दोनों खड़े थे सामने और मेरी गाड़ी भी खड़ी थी। तभी मैं गाड़ी की चाबी निकालने गया तो फिर मुझे अमित कातून ने और ईंटा मार दिया। रामपाली पुलिस ने ग्राम देवगांव स्थित तालाब से भागचंद बिसेन उम्र 60 वर्ष का शव बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक भागचंद मजदूरी का काम करता था, वह शराब पीने का आदी था। 10 अक्टूबर की सुबह वह शराब पीकर तालाब किनारे कपड़े धोने गया था, इसी दौरान शायद उसकी डूबने से मौत हो गई। पुलिस द्वारा मामला कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा 11 अक्टूबर को न्यायिक कार्य से विरत रहकर प्रतिवाद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। बालाघाट जिला अधिवक्ता संघ के सचिव विकास श्रीवास्तव ने बताया कि मंदसौर में अधिवक्ता की निर्मम हत्या के विरोध में राज्य अधिवक्ता परिषद उसे गंभीरता से लेते हुए घटना की निंदा करता है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन अधिनियम वादा करके भी नहीं निभाया गया है, इसके विरोध में अधिवक्ताओं द्वारा 11 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में न्यायालयीन कार्य से विरत रहकर प्रतिवाद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लालबर्रा नगर मुख्यालय में जारी ऐतिहासिक मां सरस्वती महोत्सव पर्व के दौरान 9 अक्टूबर को रात्रि 9 बजे से प्रायोजक वीणा ज्वेलर्स लालबर्रा के सहयोग से महोत्सव समिति के द्वारा अंतर्राज्यीय गरबा डांडिया और डांस और एकल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतियोगियों के द्वारा अलग अलग गरबा डांडिया और एकल डांस में अपनी नृत्य विधाओं का आकर्षक प्रदर्शन कर तारीफें और तालियां बटोरी गई।
विजय यूथ अकेडमी बालाघाट, रेडमेक डांस ग्रुप बालाघाट, फागुराम ग्रुप बमनी लालबर्रा और आकांक्षा ग्रुप बालाघाट ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसमें विजय यूथ अकेडमी बालाघाट प्रथम, रेडमेक डांस ग्रुप बालाघाट द्वितीय और फागुराम ग्रुप बमनी लालबर्रा तृतीय स्थान पर रही। इसी कड़ी में 11 अक्टूबर को विशाल देवी जागरण का आयोजन किया गया है। सहित ग्रामीण अंचलों में आदिशक्ति माँ दुर्गा के आराधना का 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र पर्व धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसका 9 एवं 10 अक्टूबर को आस्था और भक्तिभाव के साथ प्रतिमाओं को नदी, नहर और तालाबों में विसर्जन कर समापन किया गया। नगर मुख्यालय में सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समितियों के द्वारा स्थापित की गई दुर्गा जी की प्रतिमाओं को पांडरवानी बड़ा तालाब स्थित विसर्जन घाट और डूठी नहर में विसर्जन किया गया। वहीं ग्रामीण अंचलों में स्थानीय तालाबों में विसर्जन किया गया। विसर्जन का सिलसिला देर रात तक जारी रहा, जहां पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात किया गया। क्षेत्र में चहुओर सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समितियों के द्वारा डीजे और बैंड बाजों की धुन पर जुलूस निकालकर नाचते झूमते हुए माता रानी के जयकारे व भक्तिमय गीतों के साथ विसर्जन स्थल पहुंचकर आरती के बाद विसर्जन किया गया। जनपद पंचायत द्वारा सिवनी अंतर्गत ग्राम पंचायत एकोड़े में नव युवक दुर्गा उत्सव समिति के तत्वाधान में 9 अक्टूबर को प्रतिमा का विसर्जन किया गया। 9 दिवसीय पर्व में सुबह शाम मां भगवती की आरती कर रोजाना भजन कीर्तन एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें 8 अक्टूबर को हवन पूजन कर महाप्रसादी का वितरण किया गया और इसके बाद 9 अक्टूबर को डीजे की धुन पर मां भगवती की शोभा यात्रा निकालकर ग्राम भ्रमण कर ग्राम के तालाब में मां भगवती का विसर्जन किया गया। इस अवसर पर नवयुवक दुर्गा उत्सव समिति पदाधिकारी, सदस्य और ग्रामीण जन मौजूद रहे। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशन पर गुरुवार को जिला अस्पताल में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एक शिविर लगाकर मानसिक रोगियों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें निशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। जिला अस्पताल में लगाए गए इस शिविर में जिले भर से आए करीब 35 मानसिक रोगियों की जांच कर निशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया, वहीं उनके परिजनों को आवश्यक सलाह और जानकारियां दी गईं। आपको बता दें कि इसके पूर्व किए गए सर्वे में करीब 70 मानसिक रोगी जिले भर से चिन्हित किए गए थे, जबकि जिले में लगभग 150 मानसिक रोगी होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें गुरुवार को जिला अस्पताल में आयोजित इस शिविर में 35 मानसिक रोगियों के परिजनों ने इस शिविर का लाभ उठाया। हर जिले में जो मानसिक रोगी होते हैं उनको ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता, उनको ये सोचा जाता है कि ये पागल है, पर हमारी जो सरकार है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कहा गया है कि जो मानसिक रोगी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रोग से ग्रसित नहीं होते हैं। आज राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन होता है 10 अक्टूबर को, तो इसी के पालन अनुसार आज 10 अक्टूबर को हमें जिला चिकित्सालय में एक कैंप का ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें जिले के अधिक से अधिक मानसिक रोगियों को आने के लिए यहाँ पे। वारासिवनी नगर पालिका परिषद कार्यालय के सामने 10 अक्टूबर को सुबह 8 बजे नगर पालिका परिषद में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी एवं रेगुलर कर्मचारी अधिकारियों द्वारा अपनी जायज मांगों को लेकर काम बंद हड़ताल प्रारंभ कर दी गई थी। वेतन मिलने के बाद हड़ताल रद्द कर दी गई है। समस्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, रेगुलर कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से 10 अक्टूबर को नगर की साफ सफाई, राजस्व, बिजली, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों के कार्य बंद रहे।
रहे, जिसके कारण नगर वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। रजिस्टर में फिर भी हमसे जीतो और जान से काम करा रहे हैं और ऊपर से हमारा 7 महीना चालू है, हमको मजदूर नहीं मिला। अब हम अपने बच्चन को कैसे पालेंगे आप ही बताओ। तो क्या दिक्कतें जाती है आपको इन चीजों से? भैया बहुत सारी दिक्कतें जा रही है ना, राशन वाला राशन नहीं दे रहा ना, कोई चीज हमारी नहीं हो पा रही है, हम बच्चन को क्या खिलाएंगे, रोज के एक एक दो दो किलो चावल ला के थोड़ी खिलाएंगे। कर्मचारियों को दो दो माह का वेतन देने के साथ अन्य प्रकार के आश्वासन दिए गए, जिस पर 8 घंटे बाद हड़ताल स्थगित कर दी गई। पेमेंट नहीं हुआ है और एक नियमितीकरण वाले है उनको 3 महीने से पेमेंट नहीं हुआ, रेगुलर वाले जो है उनको 2 माह से पेमेंट नहीं हुआ है, रिक्शे वाले जो बेचारे हमारे गरीब भाई लोग है, दीपावली का त्यौहार आ रहा है सामने, उनके बच्चे उनको कपड़े लगते चाहिए और भी त्यौहार मनाने के लिए पैसे चाहिए, और नगर पालिका की हालत ये है कि वो हम लोगों को सिर्फ मौखिक रूप से ऐसे समझा देते हैं पैसा दे रहे, जबकि हमारे राजस्व विभाग ने 20 से 25 लाख रुपए वसूली कर के कहा, इन्होंने कहा था कि इसमें से हम तुमको पेमेंट देंगे, लेकिन वो पैसा गया कहाँ हमको नहीं मालूम। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी रेगुलर कर्मचारी के द्वारा अपनी जायज मांगों को लेकर 7 सूत्रीय मांगों का मांग पत्र नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल और मुख्य नगरपालिका अधिकारी राधेश्याम चौधरी को सौंपकर नगरपालिका कर्मचारियों की समस्या का निराकरण करने की मांग की गई। कर्मचारियों ने ज्ञापन में बताया कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का रुके हुए विगत 5 माह का वेतन, रेगुलर कर्मचारियों को 2 माह का वेतन, 7वें वेतनमान के एरियर्स की राशि कर्मचारियों के वेतन से काटी गई। आज चूंकि ये हड़ताल नहीं थी, एक प्रकार से इनकी मांग थी, 5 सूत्रीय इनकी मांगे थी और जायज मांग थी, मैंने पढ़ा भी, इनकी कोई भी मांग ऐसी नहीं है जो जायज ना हो, समझ जायज मांग है और अपने अधिकार की बात करना वो गलत बात नहीं है। ये 6 मांगे थी जिसमें कि वेतन थी, कुछ महीने से वेतन नहीं मिल पाया इनको, और कुछ EPF का था, एरियर्स का था, कलेक्टर डेट का था, इन सब 6 मांगों लेकर उन्होंने आज ज्ञापन मुझे भी दिया और मेरे साथ साथ CMO को भी दिया। हम इनकी समस्त मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए, क्योंकि मैंने कहा कि हमारा अंग है और हमने लगातार पूरे 4.5 साल इनके साथ नगर को चलाया है और नगर की सेवा की है, हम चाहते हैं कि अंतिम 3 महीने भी जितना अच्छा हो सके। हमारे कार्यकाल में 60 कर्मचारी विनोद कर हुए और हमारा हमेशा अच्छा प्रयास रहा कि इनकी क्या है। अभी हम लोग जो हैं, हमारा जो रेगुलर स्टाफ है, दैनिक वाला है और विनिवित वाले कर्मचारी हैं, उनका मैंने अवलोकन किया, वाकई में 4-5 माह से वेतन नहीं मिला है और हम वित्तीय स्थिति को देखते हुए अभी हम वर्तमान में विशेषकर अनिवार्य सेवा जो है स्वास्थ्य शाखा है, दूसरा पेयजल, तो आज ही हम पेयजल वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनको 2-2 माह का वेतन देंगे और स्वास्थ्य में जो दैनिक वेतन काम कर रहे हैं उनको 2 माह का वेतन प्लस नियमित कर्मचारियों को 1 माह का वेतन आज ही दी जाएगा। लालपरा नगर मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत ददिया से गुजरी खोटी माइनर नहर के पुलिया में 10 अक्टूबर को प्रातः लगभग 7 बजे एक व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के शरीर पर चोट के निशान होने पर लालपरा पुलिस द्वारा अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार लाश पुरानी होने की वजह से चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे रूपचंद लाडिया के द्वारा मृतक की शिनाख्त जमुनिया थाना चरगांव जबलपुर निवासी 24 वर्षीय सुभाष पिता नीलकंठ लाडिया के रूप में की गई। इसके पश्चात बालाघाट से पहुंची FSL की टीम के द्वारा आवश्यक जानकारियां एकत्रित की गई और पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा लाया गया। वो शायद जबलपुर साइड के रहने वाले हैं लोग जी। वो प्रतिवर्ष यहां ग्राम ददिया में जो एक छीन का पेड़ जो होता है उसको शायद झाड़ू बनाई जाती है, तो उसको काटने के लिए हर साल प्रतिवर्ष वो लोग यहाँ पे आते थे वो जी। अब वो पता चला सवेरे कि किसी ने मेरे को आकर के बताया कि बड़े नहर पे किसी की लाश नहर में फेंकी हुई है, तो फिर हम लोग गए वहाँ जाके देखने के लिए, गए देखे और देखने के बाद में हम लोगों ने FIR दर्ज करवाया, TI साहब को बताया, वहाँ से क्या पुलिस की गाड़ी आई जी, मामला दर्ज करके उन्हें मरण काम किया और आज यहाँ लालबरा हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए। खैरलांजी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली अमाई पंचायत में योग दिवस सप्ताह का समापन किया गया। ग्रामीणों द्वारा बड़ी संख्या में इस अवसर पर योग की कला को सीखा गया और वह उसे जीवन में उतारने की बात कही गई।
कर्मचारियों की सेवा की आवश्यकता नहीं है। भगवान को शरीरदारी आप लोग जो करते हैं, क्या करते हैं आप लोग? योग करने से काफी प्रेरणा मिलती है, जो कि योग करने से क्या है कि यदि हम सब रोगी चल रहे हैं, रोग से मुक्त होने के लिए क्या है योग करना पड़ता है। आज तक आपने कितने लोगों को योग बताया है? आज तक तो मिनिमम हम अभी सेवाएं दे रहे हैं, अभी 15 से 20 गाँव में अपनी सेवा। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से कुपोषण दूर करने के कितने भी दावे किए जाए, लेकिन मैदानी स्तर पर यह खोखले ही साबित होते दिखाई देते हैं। नतीजा, 1.5 वर्ष पहले मुनगे के बीज वितरित किए गए थे जो उगे ही नहीं, जो उगे भी तो उनके स्वयं पोषण की जरूरत दिखाई दे रही है। पद्मेश की टीम ने जब 1 दर्जन से अधिक आंगनबाड़ियों का निरीक्षण किया तो लगभग तस्वीर हर जगह की एक तरह से दिखाई दी। मुनगे के बीज सभी जगह वितरित किए गए, लेकिन ना उनके पौधे बड़े हुए और ना ही उन पर कोई फली लगी। पौधे को मुझे दिया गया था कि ये पौधा शारीरिक मतलब जो भी कमियां रहती है उसे पूर्ति करने के लिए अच्छा होता है, और इसे लगाने से घर में जो भी जितने भी प्रकार के रोग हैं सब दूर होते हैं और इससे पौष्टिक आहार की प्राप्ति होती है। बट मैंने पौधा लगाया, बट हो सकता है वो सक्सेस नहीं हो पाया है और किसी कारणवश वो खत्म नष्ट हो गया। मुझे एक ही पौधा दिया गया था जी। हाँ, 2018 में मुंगे के बीज दिए गए थे जिन्हें हमने मतलब नर्सरी तैयार किए थे, और उन पौधों को मतलब अति कम वजन के बच्चों और कम वजन के बच्चों की माताओं को वितरित किए थे, जिससे मतलब बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से हो, क्योंकि मुंगे के पौधे में बहुत सारे मतलब औषधीय गुण होते हैं जिससे वो उनका उपयोग कर सके। लेकिन कुछ माताओं के घर में उन्हें पौधे सक्सेस नहीं हुए, वो पौधे सक्सेस तो हैं लेकिन अभी फल नहीं लगे। कितने बीज मिले थे आपको? 10 बीज मिले थे। अब विभाग की तरफ से क्या गाइडलाइंस दी गई थी, किस तरह से लगाना है, किनको बांटना है, क्या तैयार करके पौधों को लगाना है, और अति कम वजन और कम वजन के बच्चों को वितरण करना है, यही गाइडलाइन। मुनगे से होने वाले फायदे अमूमन हर कार्यकर्ताओं को मालूम है कि उसकी फली खाने से, उसकी सब्जी खाने से कितने लाभ है, इसलिए तो उन्होंने भी शासन और अधिकारियों के निर्देश के अनुसार गर्भवती माताओं को मुनगे के पौधे वितरित किए थे। आंगनवाड़ी में भी पौधे लगाए गए थे, लेकिन नतीजा लगभग वही कि पौधे उगे नहीं और बड़े भी नहीं हुए। कम वजन के बच्चों के घर में दिए लगाने के लिए, उनकी माताओं को उन्होंने अपने घर में लगाया तो वो पनप नहीं पाए, और अपने यहाँ दिए है तो जल नहीं पाए। कितना बीज दिए थे? होंगे 8-10। 8-10 बीज, फिर एक भी नहीं पन पाए भी? नहीं। क्या नाम आपका? मतलब वो तो जैसे जिसके यहाँ जितने बच्चे हैं बच्चों के हिसाब से बीज दिया गया था, लेकिन 15 से 20 सभी को दिया गया था, क्योंकि बीजों का क्या होता है, कभी कोई बीज जगता है कभी बीज नहीं जगता कोई, तो उस बीज को लेके हमको आंगनवाड़ी में लाके और एक पोलिथीन में खाद बना के उस बीज को वहाँ डाल के पौधे पहले अपने आंगनवाड़ी में बनाना था पौधे। अभी वर्तमान में जैसे मैंने आंगनवाड़ी में लगाई हूँ तो मेरे यहाँ 3 पौधे वर्तमान में जिंदा है, लेकिन बंदरों की वजह से वो ज़्यादा पनप नहीं पा रहे हैं, लेकिन हितग्राहियों के यहाँ भी कुछ कुछ यहाँ अभी है और कुछ कुछ यहाँ तो पूरे ही खत्म हो गए। आपके यहाँ कितने पौधे मिले थे? अभी मेरे को मिले थे 15 बीज। आपके यहाँ कुपोषित बच्चों की संख्या 6 है, तो सभी को आपने बीज दिए? हाँ सर, बीज नहीं दी थी, पौधे दी थी। पौधे दिए थे, हाँ। अभी क्या स्थिति है घर में? अभी रियल में कम से कम 2-3 लोगों के यहाँ पौधे मिलेंगे। अच्छा, जब विभाग की तरफ से बीज दिया गया था तो उस समय क्या गाइडलाइन थी उसकी? उसकी यही गाइडेंस दी थी कि आप अपने आंगनवाड़ी में इसको पहले बीज से पौधे बनाओ और पौधे बना के हितग्राहियों को वितरण करो। इस निराशा के बीच हमें शहर की एक आंगनवाड़ी और एक हितग्राही ऐसे भी मिले जिनके द्वारा लगाए गए मुनगे के पौधे बड़े भी हुए और फलियां भी दे रहे हैं। हमारी जहाँ आंगनवाड़ी लगती थी विजय टांग से, जहाँ पहले
वहाँ पे भी हमने लगाए हैं और उसके सामने भी लगाए, तो अभी भी उसके पेड़ भी हैं। इसका ये था दवाइयाँ उतारने का काम करता है मुंगा, और दवाइयाँ भी उतारता है, बल्कि आयरन का बहुत अच्छा स्रोत है। मिस्त्री पे जाना उसको खरीदना पड़ेगा ना, अपने घर में पत्ती है तो उसको बहुत सारे तरीके रोटी बनाए तो अपन रोटी में उसको डाल सकते हैं, आटे में रुक के उसको बना सकते हैं, पकौड़े बना सकते हैं, कई प्रकार से उसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को दिया जो आपने बीज दिए हैं उनकी अभी स्थिति क्या है वर्तमान में? अभी स्थिति तो बहुत जगह फल गई है, उसमें उसको खाद भी पानी बराबर मिला है, वो जगह में फल गई है, वो मूंगे भी फल चुके हैं। पेड़ की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। जैसे जो हमारे बच्चे जो कई वार्ड में कुपोषण रहता है तो उनको संदेश जाता है कि कुपोषण इससे दूर होता है क्योंकि इसमें आयरन की बहुत मात्रा। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा मुनगे के फायदे बताते हुए जाने कितने पौधे और बीजों का वितरण किया गया हो, लेकिन इस सैकड़ों के बीच हमें एकमात्र ऐसे व्यक्ति मिले जिनके आंगन में मुनगा बड़ा भी हुआ और कुपोषण दूर करने के लिए कारगर भी साबित हो रहा है। ये बताइए, आंगनबाड़ी से आपको मुनगे का पौधा दिया गया था? हाँ। क्या किया उसका आपने? ये लगाए। कितना बड़ा हो गया? ये हो गया 20 फीट का। तो फल कितने महीने में देने लगा था? फल 6-7 महीने। अच्छा, फल देने लगा है। हाँ। तो इससे इसका फायदा ले रहे हैं आप? हाँ। वर्ष 2018 में बांटे गए मुनगे के बीज और पौधे उगे नहीं, उनसे कोई कुपोषण दूर हुआ नहीं, जैसे दर्जनों सवाल विभाग के वरिष्ठ स्तर पर लग रहे हैं जिन्होंने मुनगे के इस बीजों का वितरण किया है। कुछ समय पहले आंगनबाड़ियों को मुंगना के बीज दिए गए थे जिनको जो कुपोषित बच्चे हैं उन परिवार को देना था। वर्तमान में क्या स्थिति है उन पौधों की? पौधे अच्छे उग रहे हैं, कई जगह हमने फीडबैक लिया है, तो जो बीज दिए गए थे उससे काफ़ी अच्छे पौधे आ रहे हैं। हमारे आंगनबाड़ी में जो भी सारी गतिविधियाँ हैं, अभी हमारा राष्ट्रीय पोषण मिशन का राष्ट्रीय पोषण माह भी खत्म हुआ है, तो पूरे आंगनबाड़ी स्तर पर बहुत सारी गतिविधियाँ की है, जन जागरूकता प्रचार प्रसार इसके माध्यम से काफ़ी काम किए जा रहे हैं कुपोषण हटाने का। क्या कहीं इस पूरे मुनगे वितरण में कोई बड़ा घोटाला तो नहीं हुआ है? ऐसा नहीं तो पौधे उगे क्यों नहीं? मामला जो भी हो, लेकिन सुर्खियों में एक बार फिर महिला बाल विकास विभाग बना हुआ है। देखना अब यह है कि विभाग दोबारा कुपोषण दूर करने के लिए क्या नीति अपनाता है। पद्मेश न्यूज के लिए बालाघाट से कमल कोडले की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लोकायुक्त पुलिस की कार्यवाही, 30,000 की रिश्वत लेते महिला इंजीनियर गिरफ्तार। आज भी समाज में जिंदा है रूढ़िवादी पिता, बेटी होने पर मां और बेटी को घर से निकाला, दर दर की ठोकर खा रहे हैं जच्चा बच्चा। पोषण देने वाला मुनगा स्वयं हो गया कुपोषित, महिला बाल विकास विभाग की बड़ी लापरवाही। 2 महीने में धुंधली हो गई लाखों रुपए से की गई सड़क पर मार्किंग, अधिक बारिश को बता रहे कारण। भोपाल से नहीं आए सत्यापन फॉर्म, अधर में अटका राशन, उपभोक्ताओं का सत्यापन, जरूरतमंद हो रहे परेशान। समर्थन मूल्य पर खरीदी, किसानों की पंजीयन के लिए 13 अतिरिक्त केंद्र खोले जाने की मंजूरी। लालबन्ना की दरिया में मिला युवक का शव, पुलिस ने दर्ज किया अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला। और अतिथि विद्वानों की हड़ताल के समर्थन में उतरे छात्र संगठन, प्रदेश शासन के नाम सौंपा ज्ञापन। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।